1507 में आज के दिन इंग्लैंड और नीदरलैंड ने व्यापारिक समझौते पर सहमति जताई थी। 1659 में आज के दिन मुगल शासक औरंगजेब ने दिल्ली की सल्तनत संभाली। 1827 में आज के दिन यूनान में स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान तुर्की ने एक्रोपोलिस और एथेंस पर कब्जा किया। 1875 में आज के दिन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पैसिफिक स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ था। 1877 में आज के दिन प्रसिद्ध मलयाली कवि उल्लू राज परमेश्वर अय्यर का जन्म हुआ। 1882 में आज के दिन बॉम्बे में तूफान और बाढ़ से करीब 1,00,000 लोगों की मौत हुई। 1912 में आज के दिन अमेरिकी नौसेना ने क्यूबा पर तीसरी बार हमला किया। 1915 में आज के दिन डेनमार्क ने संविधान में संशोधन कर महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था। 1942 में आज के दिन अमेरिका ने बुल्गारिया, हंगरी और रोमानिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1953 में आज के दिन डेनमार्क ने नया संविधान अंगीकार किया था। 1984 में आज के दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया। 1991 में आज के दिन सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचोव को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 2013 में आज के दिन नवाज शरीफ पुनः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे।